हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसते हैं एडिशनल सेटिंग्स। तो एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर आपके पास एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स आ जाती है, जहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है। इस पे जाकर आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं, तो अलाउ करते ही आप ओके करते हैं, तो ओके करते ही आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि आप जब शॉर्टकट आइकन्स पे जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट आइकन्स आपके फ़ोन में शो हो जाते हैं। आप सिंपली पावर आइकन्स पे जाएंगे, तो इस ऑप्शन के जरिए आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका फ़ोन है, इसके जरिए ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा और आप इसको ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं एंड पावर ऑफ भी कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन के पावर ऑफ कर पाएंगे, एयरप्लेन मोड को भी ऑन कर सकते हैं, साइलेंट मोड भी ऑन करना चाहें तो कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमने ऑफ़ कर दिया। तो आपको वीडियो शेयर कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।